गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम लीनियर प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट वगैरह हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। अब हम आगे इसके कुछ एग्जांपल वगैरह स्टडी करेंगे। मिनिमाइज करना है, हमारे पास फंक्शन दे दिया जेड इज इक्वल टू 3x + 5y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। ये कंडीशन दे दी x + 3y > 3 और x + y > 2, और जो हमारे पास नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है, तो वही हमने क्या करना है, इसको टेबल की फॉर्म में पहले पॉइंट निकालते हैं हम x और y। फर्स्ट को इसको इक्वल टू 3 रख के निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x को जहां पे 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है इसमें फर्स्ट वाले में। y को 0 रखें तो x की वैल्यू, जहां पे इसको 0 रख दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे हम यहां से, तो वही जो एक्स एक्सिस होगी हमारे पास, ये वाई एक्सिस होगी, तो जहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इधर पॉइंट लगा लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on। तो जहां पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, x0 y1 कौन सा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सेकंड x3 y0 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को हमने क्या कर देना है, यहां से ला देंगे, तो ये हमारे पास लाइन की लोकेशन आ जाएगी। अब इसी तरह से हम दूसरे टेबल पे देखते हैं, जो दूसरा हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है उसकी वैल्यू से निकालते हैं x और y की। जहां पे हमारे पास x + y = 2 रख के इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 आ जाएगा आपके पास, y की 0 रखें तो x की जगह 2, तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास और ये वाला आ गया, x0 y2 और x2 y0। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे हम, तो ये ग्राफ बना। अब इसका हमने कॉमन रीजन देखना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ग्रेटर का हमने क्या बोला था, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमने शेडेड करना है अवे फ्रॉम द रीजन, रीजन से दूसरी तरफ करना है, तो ये वाली लाइन थी इसका हम शेडेड करेंगे, इस तरफ करेंगे ग्राफ अवे फ्रॉम द रीजन। और दूसरा इसमें भी हमारे पास ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका भी हम कह रहे हैं अवे फ्रॉम द रीजन, इसका भी ये वाला, तो कॉमन रीजन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों का ये वाला सारा कॉमन रीजन में आ जाएगा हमारे पास, इस टाइप को जाएगा ये ग्राफ। और एक्स और वाई पॉजिटिव ग्रेटर है तो इसी के अंदर हमने इसको लेना है, तो ये वाला आ गया हमारे पास इसका कॉमन रीजन। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, तो इसका सलूशन हमारे पास क्या आएगा, इसके जो भी हमारे पास कॉमन रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो ये पॉइंट्स देखते हैं हमारे पास, ये पॉइंट्स है 3 और 0, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 और 2। ये पॉइंट इन दोनों की इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सी है, जे x + 3y = 3 और x + y = 2, इसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस हो गया, 2y आ गया = 1 आ गया, माइनस करेंगे तो y की वैल्यू जहां पे 1/2 आ गई, तो y की 1/2 आ गई। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड वाली में जहां पे पुट करें, हमारे पास x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = ये इधर गया, 2 में से 1/2 माइनस किया, हमारे पास कितना बन गया, 4 - 1 = 3/2, तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2 और y की वैल्यू 1/2, तो जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 और 1/2। अब तीनों पॉइंटों पे हमने चेक करना है इसका, तो उसी तरह से हमने टेबल ड्रा करेंगे इसका।
तो हमारे पॉइंट्स हो गए जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स थे, जो जहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारे पास 3x प्लस 5y। अब पॉइंट कौन कौन से थे हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आए थे, एक तो 0 2 था आपके पास, 3 2 1 2 और 3 0, 0 2, 3 by 2, 1 by 2 और आपके पास 3 और 0। अब इसमें हमने पुट करने x की जगह 0, y की जगह 2 रखे हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। x की जगह 3 by 2, 9 by 2 बन गया, और जहां पे y की जगह 1 by 2, 5 by 2 और कितना हो गया 9 plus 5 14, 14 by 2 कट करोगे 7 आ जाएगा। इसमें पुट करें हमारे पास x की जगह 3, y की जगह 0, हमारे पास कितना बचा जहां पे 9। तो इसमें हमने क्या निकालना था, मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम इस पॉइंट पे आ रहा है। तो जहां पे एक बात और देखने वाली है, जो फर्स्ट वाला ग्राफ था जहां पे हमारे पास, ये तो क्या था, बाउंडेड था हमारे पास। तो जो भी बाउंडेड ग्राफ आ जाए हमारे पास, जो इसमें बाउंड कर रहा है पूरा इस रीजन में, जो हमारे पास बाउंडेड ग्राफ आ जाए उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन का या मिनिमम। बट अगर हमारे पास यहाँ पे अनबाउंडेड ग्राफ आ गया, जो कहीं पे भी मान लो बाउंड नहीं कर रहा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास चेक करना पड़ेगा, जो भी ये वाला आ गया था हमारे पास इस टाइप से आ रहा है रीजन, ये सारा अनबाउंडेड है, कहीं पे भी बाउंड नहीं हो रहा हमारे पास। तो इसमें हमने देखना है जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस टाइप का आपके पास, तो इसमें कंडीशन लगानी पड़ती है हमारे पास मिनिमम के लिए, लेस देन मान लो जहां पे हमारे पास क्या आया था, ये 7 मिनिमम वैल्यू आ गई, तो इसमें हमने कंडीशन देखनी पड़ेगी भी जो इसका जो भी पॉइंट है इसमें आपके पास फिजिबल रीजन से कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे जो इसकी मिनिमम वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैक्सिमाइज के लिए मान लो कोई भी एम मैक्सिमाइज है, तो एम से आपके पास इसका ग्रेटर देन लगा के चेक करना पड़ेगा भी कॉमन रीजन ना हो उस फिजिबल रीजन में, कॉमन पॉइंट उस रीजन में ना आए। तो मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, जो भी अनबाउंडेड ग्राफ होगा उसमें ज्यादातर आप मिनिमम वैल्यू तो फाइंड हो जाती है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमारे पास फाइंड नहीं होती। अगर जहां पे मैक्सिमाइज वाला आ जाता तो मैक्सिमाइज तो किसी भी पॉइंट पे हो सकती थी आगे जाकर, तो मैक्सिमाइज फाइंड है इसमें हम नहीं कर सकते थे। तो मिनिमम इसमें आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट पे जहां पे हो जाएगी इसकी फाइंड, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास जहां पे 7 आ गई। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, इसके बाद जो हमारे पास मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है हमने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये उनकी कंडीशन दे दी। तो हम पहले फर्स्ट वाले की देखते हैं, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, फिर ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स को 0 रखें, वाई की वैल्यू आपके पास 50 आ गई, वाई को 0 रखें, एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, इसी तरह सेकेंड का भी निकाल लेते हैं, एक्स और वाई, इसमें इसमें तो दोनों 0 0 वाई आ जाएंगे, एक्स की जगह 0 रखा, वाई की 0 आ गई, तो ये तो आपके पास कौन सी लाइन आएगी जो रीजन से क्रॉस होते हुए जाए। तो इसमें तीसरा पॉइंट अभी डायरेक्ट हम बाद में निकालेंगे, तीसरे वाली कंडीशन ले लो, एक्स और वाई, इसमें क्या है हमारे पास ये फंक्शन है, x को 0 रखा, y की वैल्यू 200 आ जाएगी इसमें, x 0, y की वैल्यू 200, y को 0 रखा इसमें, x की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफिकली बाद में चेक करेंगे। तो 0, 50, 100, 115, 200, तो ये वाली x एक्सिस होगी हमारे पास और ये y एक्सिस होगी, इसमें भी ऐसे रख लेते हैं 50, 100, 150, 200। तो फर्स्ट का देखते हैं, x 0 है हमारे पास, y 50 है,
तो x0 by 50 ये वाला पॉइंट आ गया, नेक्स्ट x 100 है y 0 है तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसको मिला देते हैं हम इन दोनों पॉइंटों को, तो ये वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये अपवर्ड अवे फ्रॉम द रीजन शेडेड होएगा इसका ये वाला पार्ट। सेकंड इसका देखते हैं पहले, x 0 है y 200 है तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट x 100 y 0 तो यही वाला पॉइंट आ गया, इसको मिला देते हैं ये वाला आ गया हमारे पास। इसका ग्राफ जो 0 0 से क्रॉस होता जा रहा है हमारे पास, मान लो इसको इस तरह से लिख लें 2x is equal to हमारे पास y, मान लो y is equal to 2x, तो इस टाइप की कोई भी हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी कहां से जाती है हमारे पास ओरिजिन से क्रॉस होती हुई जाती है, तो इनका इंटरसेक्शन देख लेते हैं इसके साथ क्या आएगा, तो वहां पे हम इसके पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा और इसका इस वाली के साथ इंटरसेक्शन देखें ये वाली होगी आपके पास दोनों की इसने, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू मान लो 100 है और ये हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर दें हमारे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो प्लस कर दो 5x, ये कट गया आपके पास यहाँ पे 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 20, तो x की 20 आ गई, इसमें पुट कर देंगे अगर x 20 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 40 आ रही है, तो ये वाली इक्वेशन को ये कट करेगी 20 और 40 पे, मान लो दूसरा पॉइंट हमारे पास x 20 यहाँ पे, ये 40 यहाँ पे होएगा। अब इसका दूसरी इक्वेशन के साथ भी देख लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, यहाँ पे एक्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो सब्ट्रैक्ट कर दो ये कट गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 200, तो y की जगह आपके पास 100 आ गया और y की जगह 100 x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 50, तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपके पास 50 और 100, तो मान लो ये 50 है ये 100 है जहां से मान लो, तो ये लाइन जहां से क्रॉस होते हुए जाएगी ये वाली अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये पॉइंट भी हमने निकाल लिए, ये पॉइंट हमारे पास आ गया इसका इंटरसेक्शन का 50 और 100, ये वाला पॉइंट आ गया था हमारे पास 20 और 40, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 50, 0 और 50, और ये वाला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 100 और 0। तब शेडेड पोर्शन देखते हैं, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू है ये वाली लाइन, तो इसका आपके पास किस तरफ आएगा शेडेड रीजन टूवर्ड द रीजन इस तरफ आएगा। अब हमने इस वाली लाइन का देखना है जो अभी हमारे पास रीजन से क्रॉस हो रही है, इसको हम इस तरफ शेडेड करें या इस तरफ करें, तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हम कोई पॉइंट लेंगे एक बार तो इस तरफ पॉइंट लेके देखेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये राइट साइड इधर तरफ आपके पास शेडेड हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ लेंगे अगर वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो दूसरी तरफ ये शेडेड हो जाएगी। तो मान लो हमने कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इसके इस तरफ ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू मान लो यही मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 50 है, इस पे वाई की वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट करते हैं हम एक्स की जगह 50 वाई की जगह 0, तो एक्स की जगह 50 पुट करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा जहां पे 100 आ जाएगा और वाई की जगह 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाला पॉइंट, कॉज एक्स की जगह अगर जहां पे हम 50 पुट करें और y की जगह 0 तो 100 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
इसका मतलब ये वाला रीजन तो इसका शेडर नहीं होएगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, इस तरफ जहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यही वाला ले लिया, x की जगह 0 ले लो, y की जगह 50 ले लो। तो y की जगह 50 लें, हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाला कंडीशन है सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये वाला पार्ट किस तरफ शेडेड होएगा, इस तरफ। तो अब हमने कॉमन रीजन देख लेना, इसका क्या आएगा, तो कॉमन रीजन क्या आएगा इसका, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा कॉमन रीजन हो जाएगा हमारे पास। तो इसको पूरा ये शेडेड कर देते हैं, तो ये पूरा हमारे पास शेडेड रीजन आ गया इसका। तो ये फिजीबल रीजन हो गया, तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस पे आएगा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट, ये फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। तो इन पे हम चेक करेंगे किस पे हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है। तो पॉइंट्स है हमारे पास 0, 50, 20, 40 था ये वाला, 50, 100 है, और 0, 200 है। तो हम उसी तरह से टेबल ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स लिख लेने हैं हमने, जहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है हमारे पास, x प्लस 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे थे हमारे पास, 0 और 50, 20 और 40, 50 और 100, और हमारे पास 0 और 200। तो जहां पे देखते हैं, इसमें x की जगह 0, y की जगह 50, हमारे पास आ गया 100। दूसरा x की जगह 20, y की जगह 40, तो 80 प्लस 20 ये भी 100 आ गया हमारे पास। x की जगह 50, y की जगह 100, 250 आ गया हमारे पास। x की जगह 0, y की जगह 200, तो कितना बन गया हमारे पास, 400। तो मैक्सिमम हमारे पास ये आ रहा है, ये वाला। तो मैक्सिमम किस पे होएगा आपके पास, 0 और 200 पे, ये मैक्सिमम हो गया आपके पास, फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम ये 2 पॉइंट्स पे, तो मिनिमम आपके पास जिन 2 पॉइंट्स पे मिनिमम हो जाएगा, इस पे भी, इस पे भी मिनिमम, ये भी हमारे पास मिनिमम आ गया। तो 2 पॉइंट पे मिनिमम आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन देखा। तो इसके बाद सभी बच्चों ने क्या करना है, इसकी होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, मैक्सिमाइज वाले समय कुछ मिनिमाइज वाले। तो बेसिकली आपने क्या देखना है, जो भी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, जो इसके कांस्टेंट फंक्शन थे इन पे कंडीशन लगा के हमने जो भी कंडीशन थी इसके पॉइंट्स लिख लेने, एक बार एक्स को 0, एक बार वाई को 0 पुट करके हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पे। और क्या चीज ध्यान रखनी थी हमने, शेडर रीजन, अगर हमारे पास ये लेस देन था तो हमने क्या करना था, लेस देन इक्वल टू का सिंबल था तो रीजन की तरफ शेडर करना है, अदरवाइज ये ग्रेटर का सिंबल है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो हमने अवे फ्रॉम द रीजन ग्राफ को शेडेड करना है। तो उसके बाद हमने कॉमन रीजन लेना है, जितनी भी हमारे पास ये कंडीशन थी इनका कॉमन रीजन आ जाएगा एक, इसको फिजीबल रीजन बोलते हैं। तो ऑप्टिमल हमने चेक करना है, मैक्सिमाइज मिनिमम जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो, उसके जितने भी हमारे पास कॉमन रीजन आया था उसके कॉर्नर पॉइंट आएंगे वहां पे चेक करना है, जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा, जो मिनिमम था वो हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपने सभी बच्चों ने इसकी होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। थैंक यू।